प्रेसिडेंट नगमा खान जी को ये प्रमाण पत्र दे रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि आगे चल के और बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़े और सामाजिक काम करें। ऐसा भी उनकी बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी और जैसे भी संस्था की जो भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी मैं निश्चित ही साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने प्रयास किया कि ये कार्यक्रम यहां पर नहीं हो, लेकिन सबको मुंहतोड़ जवाब नगमा ने दिया है, इसलिए उस बहन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। नगमा जी को एक नई जिम्मेदारी भी आपकी ओर से दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो नगमा जी की कमसीन मासूम बच्ची का बर्थडे है, उसकी पैदाइश का दिन है और साथ ही में महाराष्ट्र के आर्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो ये ऐसा होगा कि एक सुनहरे अवसर वो बच्ची के नसीब में है और महाराष्ट्र की सरजमीन है जहाँ पे हिंदू हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने सौराष्ट्र की स्थापना की थी और महाराष्ट्र को एक अलग से मोड़ से लेके, उसी के साथ में बहुजन मुस्लिम संगठन से हमारी नगमा जी हमसे जुड़ी है और हम यही कामनाएं करते हैं कि ढले और इस संगठन को आगे से आगे लेके जाए। इसके अलावा संगठन की बात करेंगे, किस तरह के कार्य संगठन की ओर से किए जा रहे हैं? बहुजन मुस्लिम संगठन एक आवाज़ हम लोग ने पैदा किया था जो कि नवाशवा से बहुत से प्रॉब्लम थे, वर्करों के प्रॉब्लम थे और झोपड़ी से रिलेटेड थे, तो वहाँ से हमारे कुछ लोगों ने इस जो इसकी संस्था की बुनियाद रखी और हम लोग ने हमारे इरादे में आंदोलन करके कामयाबी की और इसी तरह से अभी हॉकर्स यूनियन है, वातुक यूनियन है और अभी आने वाले नई जो MPLL का जो बोर्ड चल रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग ने महिलाओं को आगे रखा और ये बहुजन संगठन को उनके जिम्मेदारी देके काम पे आगे किया है। इसके अलावा संगठन देखा जाता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे जाके जो है दाखिल होती है, तो क्या इस तरह का कोई प्लान है आपकी ओर से? अभी देखिए, संगठन संगठन इसलिए बनाते हैं कि लोग जुड़े और इस संगठन से लोगों की हक़ की आवाज़ और इंसाफ की आवाज़ करे। अब आगे जाके अगर सिस्टम में जाना है तो फिर वो पॉलिटिकल मोड ले सकता है, जैसे कि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे साहब हमारे नवी मुंबई में थे, एक पोर्ट की ओपनिंग के लिए आए थे, वहाँ पे हमें बुलाया गया, वहाँ कहा गया कि आपकी संगठन हमसे विलिंग करो, तो हमने विलिंग नहीं किया, उनको एक सपोर्ट दिया, पार्टिंबा दिया क्योंकि वो आज हम में से एक है और अच्छा काम कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की बताई हुई नीति पे काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुजन मुस्लिम संगठन ने उनको पार्टिंबा दिया। जो भी यहाँ पर गेस्ट आए उन सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा कि विशाल जी जो है इतने बिजी रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और यहाँ पर वो आए
और मेरे प्रोग्राम को काफ़ी समय दे करके मुझे बहुत मान दिया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। और जो भी यहाँ पर गेस्ट आए थे उनको भी शुक्रिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं मुस्लिम होकर के भी बहुत ही अच्छे से आज मैं 6 सालों से इनका जन्मदिवस यहाँ मालोनी में मना रही हूँ। इसी दिन मेरी बेटी भी जन्म ली है तो साथ में मैं उसका भी जन्मदिन मनाती हूँ। अच्छा, सुनने में आया है कि कार्यक्रम को रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया था, उसके बावजूद भी आप रुके नहीं और आपने ये कार्यक्रम को अंजाम दिया। हाँ जी, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए लोगों का मानना क्या है मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो हमारे प्रशासन ने मुझसे लेटर लिया और परमिशन का लेटर लेने के बाद मेरे कार्यकर्ता को बुलाया और उसको वाइटनर लगा के बोला कि परमिशन नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला ओके, फिर अगर कोई कार्रवाई करोगी तुम प्रोग्राम तो तुम्हें देखा जाएगा। तो मैंने फिर भी प्रोग्राम किया। उसके अलावा भी यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जो अपोजिट पार्टी में होंगे, मैं किसी पार्टी में अभी हूँ नहीं, अभी जुड़ी हूँ, आज ही जुड़ी हूँ। तो मैं वो अपोजिट पार्टी लोगों ने, हमारे विशाल भगत जी जो बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं और यहाँ इतने सालों से कर रहे हैं और पूरी अंबुजवाड़ी के अंदर इनकी इतनी अच्छी पकड़ है और इतने अच्छे लोगों के सहयोग करते, उनके बैनर्स फाड़े गए। तो भी मैंने फिर बैनर लगवाया, फिर बहुत कुछ किया गया। मेरे जो लोग आए थे उन तक को परेशान किया गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, ये सब करने से किसी का कोई प्रोग्राम नहीं रुकता है और ना ही मेरा प्रोग्राम रुका और बहुत अच्छे से हुआ। और भी एक मेरे बहुत महान चीफ गेस्ट आने वाले थे जो नहीं आ पाए, तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, होता है लाइफ में, ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं और इस हादसों को दूर करके हमें आगे चलना चाहिए, अपने लक्ष्य और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मेरा काम है सिर्फ समाज सेवा करना, ना कि किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना। धन्यवाद। इसके अलावा एक नई जिम्मेदारी भी आपको आज के मौके पर दी गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मुझे जो ये मुस्लिम बहुजन संगठन का जो मुझे जिम्मेदारी मिला है, इससे मैं दिल्ली में ज़्यादा काम करना पसंद करूँगी, दिल्ली और हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के अंदर राइट नाउ 5000 पीपल्स जो हैं उनके घर तोड़े गए, ये किए गए, जिस मुद्दे पे मैं 4 सालों से काम कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे एक पोस्ट की आवश्यकता थी। मैं किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जाना नहीं चाहती थी और ये पार्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पार्टी को आगे लेके जाऊँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत आगे ला पाऊँ। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो काम करता है उसी का विरोध होता है। तो जिस प्रकार से नगमा काम कर रही है उसका विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये मलाड में सबको पता चल गया कि नगमा समाज के लिए काम कर रही है। और अगर आज मेरा बैनर फाड़ा जा रहा है तो निश्चित ही सबका फटेगा। मैं काम कर रहा हूँ और समाज के कुछ लोग असामाजिक तत्व विचलित हो रहे हैं कि कहीं कदम जमा दिए तो मैदान की तरह उनका घर भी मैदान ना बन जाए। लगा जो आज मेन चीज़ है, शिव जयंती भी है और हयात की बर्थडे भी है, तो दोनों जो एक साथ मनाया गया है, ये सब चोरी किसी को। और जो हमारे नगमा खान जी ने बड़े चैनल जरूर आएंगे, कहीं आएंगे, क्योंकि आज हम लोग का जो बड़े मीटिंग भी था, क्योंकि हम लोग एक आदर्श हो पाया 31 मार्च को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी।